देखिए यहाँ पर कित अनप्रोफेशनल काम किया गया है किसी ठेकेदार और मिस्त्री के द्वारा। एक टेरेस है जिसमें 12 बाई 12 इंच मतलब 300 बाई 300 mm की टाइल्स लगाई गई थी, वाइट टाइल्स जो टेरेस में फ्लोरिंग में लगती है, टेरेस फ्लोर में। उसमें इसने गलती क्या की कि इसमें सैंड बेड की जगह पे सीमेंट और सैंड का मोर्टार बना के बेड करना था, उसने सीधे सैंड बेड कर दिया, पानी डाल के सैंड को बेड बना दिया और उसके ऊपर थोड़ा सा ही लिक्विड फॉर्म बनाया गया था, सीमेंट का गोला, सीमेंट गोला बना के उसने डाल दिया थोड़ा सा और टाइल चिपका दी, जिसकी वजह से हुआ क्या लीकेज का प्रॉब्लम हो गया और वो टाइल्स सब उड़ गई और निकल गई। और इसमें देखिए आपको सैंड के अंदर कहीं पे भी आपको सीमेंट दिखेगी नहीं, एकदम गलत तरीका। आपको टाइल्स भी दिखाता हूँ, देखो ये हमने टाइल्स तोड़ी है, उसके नीचे देखो किसी भी तरह का सीमेंट डाला नहीं गया है और जो गोला भी डाला था वो भी पतला पतला पानी के जैसा, जिसकी वजह से पूरा फ्लोर फेलियर हुआ है। देखिए अभी सीमेंट थोड़ी सी ऊपर जो लेयर निकल गया उसके नीचे देखिए अब कुछ भी नहीं है, सीधे सैंड दिखेगी आपको, प्योर सैंड कुछ भी नहीं। अब ऐसे मिस्त्री की रिलाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा।